हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब करियर इंडिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे कि ये जो वैकेंसी जारी की गई है, इस वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल्स के यहाँ पर चेकआउट करने वाले हैं कि ये जो वैकेंसी आई हुई है किस पोस्ट के लिए आई हुई है, और टोटल कितनी पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, और कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला 20 नवंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वैकेंसी में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 10 दिसंबर 2022 है। एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम आपका 7 मार्च 2023 को होगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर वैकेंसी से जुड़ी हुई डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर आप आकर सारी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने से पहले इसकी गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। इसकी लिंक आपको jobcareerindia.com पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है, जैसे कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर टोटल 3 यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फॉर्म अप्लाई करने की बात करें, इसका फॉर्म आप 20 नवंबर 2022 से 10 दिसंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट की बात करें तो इसके फीस भी आप 10 दिसंबर 2022 तक ही पे कर सकते हैं। फॉर्म भरने की बात करें तो इसका फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होगा, ऑफलाइन ही अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इस पोस्ट के लिए जो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अलग फीस रखी गई है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 500 रुपये पे करना है, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 200 रुपये पे करना है। फीस पे करने की बात करें तो फीस भी आपको ऑफलाइन ही पे करनी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी लॉ में डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको 1,44,800 रुपये से 1,94,660 रुपये पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 ईयर्स देखने को मिल जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस पोस्ट के लिए जो आपका सिलेक्शन होगा उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा 7 मार्च 2023 को, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। अगर आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद अगर आप एप्लीकेबल हैं तो ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है इस पोस्ट के लिए। साथ ही यहाँ पर आपको jobcareerindia.com पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक और नोटिफिकेशन की लिंक भी मिल जाती है, जहाँ पर विजिट करके आप इस तरह से जुड़ी सारी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।